हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं बहुत ही यूटफुल वीडियो आप सभी के लिए लाई हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल किसी के भी बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा भी 4 साल का बेटा है, वो अंगूर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर आज मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ अंगूर का जूस। तो ये देखिए, बच्चे अंगूर इसलिए भी नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आलस आता है और उन्हें फटाफट से खेलना होता है, तो इसीलिए ये जूस बना रही हूँ। जूस पी के उनका फटाफट से, बच्चा जब 1 ग्लास जूस पिएगा तो उसका पेट भी भर जाएगा और उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी उसकी हो जाएगी। तो वही बच्चे जब ग्रेप्स नहीं खाते हैं तो उसका उन्हें जूस बनाकर पिला दीजिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं भी अपने बेटे के लिए जूस बना रही हूँ अंगूर का। तो देखिए, अंगूर को क्या करना है, सबसे पहले उन्हें कम से कम 20 मिनट पहले, जूस बनाने से 20 मिनट पहले आपको पानी में भिगो कर रख देना है खाने का सोडा डालकर थोड़ा सा, क्योंकि अंगूर में सबसे ज़्यादा केमिकल यूज होता है। तो खाने के सोडे से क्या होगा कि केमिकल का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 4 से 5 बार अच्छे से। तो अभी यहाँ पर पहले निकाल लिया अपना जूसर और जूसर को अच्छे से सेट करेंगे और इसमें डाल देंगे हम अपने अंगूर। देखिए, अंगूरों का जूस फटाफट से बन जाता है, तो ये जूस बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। देखिए, मैं कभी भी कोई भी जूस मार्केट से नहीं खरीदती हूँ रेडीमेड, क्योंकि रेडीमेड जूस में आप कभी भी डिब्बे के पीछे देखिएगा जाकर, उसमें जूस की मात्रा बहुत ही कम होती है, शुगर और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसमें डली हुई। तो जो ये घर का होता है ये प्योर होता है, तो इसलिए मैं कोई भी जूस बनाती हूँ अपने बेटे के लिए या फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए घर पर ही बनाती हूँ इसी तरीके से। देखिए, आज की डेट को देखते हुए बच्चों के लिए हेल्थी खाना बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए फ्रूट्स जूस ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं। उनकी इम्यूनिटी पावर क्योंकि बहुत ही वीक होती जा रही है, तो डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि हम घर पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाने के लिए दें, जिससे कि वो कम से कम बीमार पड़े। तो भाई आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को घर का अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जूस पीस लिया है, ये पीसकर तैयार हो गया है, और अब मैंने ये कपड़े की एक जाली ले ली है। तो ये जाली को इस तरीके से चारों कोने एक साथ करेंगे और बाउल में अच्छे से टाइट करके इसको निचोड़ देंगे, जिससे कि सारा जूस निकल जाए। यहाँ पर मैं एक बार में 1/2 किलो अंगूर का जूस बना रही हूँ, और 1/2 किलो अंगूर में मेरा लगभग 1/2 किलो ही जूस तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें छिलका बहुत पतला होता है, बीज इसमें होते नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा सा फाइबर निकलेगा, ज़्यादा नहीं। तो भी बड़े लोग तो अंगूर खा लेते हैं तो फाइबर भी अच्छा होता है, तो फाइबर भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे अंगूर खाने से अलकसाते हैं, तो उन्हें जूस बेस्ट हो सकता है उनके लिए। तो यहाँ पर मेरा जूस तैयार हो गया है। ये हो गया है जूस तैयार, फटाफट से कर लेती हूँ ग्लास में। यहाँ पर मैंने कांच का ग्लास लिया है, जिससे कि जूस दिखे और बच्चे को अच्छा लगे देखने में भी, जब देखने में अच्छा लगेगा तो फटाफट से पी लेंगे। तो चलिए जी, हमारा जूस तैयार है, आप सभी भी ट्राई कीजिए एक बार, अपने बच्चे को पिलाकर देखिए। तो हेल्दी जूस ये वाला। और आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।